और दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 15 साल से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को जहां एक बार फिर वापसी की उम्मीद है, वहीं आम आदमी पार्टी लोकल बॉडी चुनाव जीतकर पूरी दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव में बदलाव की हवा लाने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। शराब कांड से शुरू हुआ एमसीडी चुनाव तिहाड़ में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐश कांड पर आ गया है। ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में है, जिसे आज तय करना है कि दिल्ली नगर निगम की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आज आपको बता दें कि अहम चुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के, और एमसीडी के चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 2017 के बाद यानी 2012 में जब पहली बार एमसीडी के तीन हिस्से हुए थे, नॉर्थ साउथ और साथ ही साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के, उसके बाद एक बार फिर से एक एमसीडी बनना गया है और एक एमसीडी के लिए चुनाव जो हो रहे हैं उसमें 250 इस वक्त आपको बता दें सीटें हैं, उम्मीदवार इसमें 1300 से ज्यादा हैं और शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि जब एक साथ यहां पर जो महिलाओं की तादाद है वो पुरुष उम्मीदवारों से ज्यादा है। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, ऐसे में एमसीडी चुनाव में अब तिहाड़ में जेल जो सत्येंद्र जैन के वीआईपी ट्रीटमेंट सामने आए हैं, उसके बाद अब गेंद सिर्फ जनता के पाले में है। जनता तय करेगी कि किसकी जीत होगी किसकी हार, जिसे आज तय करना है कि दिल्ली नगर निगम की गद्दी पर कौन बैठेगा। और 2017 में जो चुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें बीजेपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी ने 181 सीटें जीती थी, तब 270 सीटें हुआ करती थी, उसमें से खाते में गए थे आम आदमी पार्टी के 49, और अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 30 से ज्यादा सीटें गई थी। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दो मंत्री निशाने पर हैं। ये दोनों ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खास हैं। सिसोदिया पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उन पर जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करने के वीडियो सामने आ रहे हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कारनामे केजरीवाल को एमसीडी पर कब्जा करने से रोक देंगे? दोनों ही मंत्रियों के काम और कारनामे जनता के सामने हैं। आज जनता किसे सुनेगी ये सिर्फ जनता ही जानती है, लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जिनसे केजरीवाल भाग तो सकते हैं पर जनता से छिप नहीं सकते। शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के राडार पर आए मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बदल कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, जांच से बचने के लिए सबूतों को मिटाया गया। खुद मनीष सिसोदिया ने एक साल के अंदर 4 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बदल डाले। वहीं सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे मौज कर रहे हैं। इन दोनों पर अरविंद केजरीवाल खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, यही वजह है कि कभी इन्हें कट्टर ईमानदार कहते हैं तो कभी पद्म पुरस्कार देने की बात करते हैं। की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया, उनके पास उसका जवाब नहीं है। वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी। जिन मंत्रियों की शान में सीएम अरविंद केजरीवाल का सीधे पड़ रहे हैं, यही दोनों मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी करा रहे हैं। ये पहचान बन गई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिन पर शराब घोटाले को लेकर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल आज भी खुद को कट्टर ईमानदार बताने में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली सरकार की इसी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जांच है एक नतीजे तक पहुंचने का, और जो लगभग
3,000 करोड़ रुपए जनता जनार्दन का बर्बाद हुआ है, उसे रिकवर करने का और जनता को न्याय दिलाने का। इसलिए ये जो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं घर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने और ईडी ने हमें क्लीन चिट दिया है, ये क्लीन चिट नहीं है। ये ध्यान से देखिए केजरीवाल जी, दिस इज नॉट क्लीन चिट, दिस इज नॉट अ सिंगल चिट, दिस हैज 32 पेजेस, इसमें 32 पन्ने हैं और 32वें पन्ने पर मनीष सिसोदिया जी के उंगली के निशान हैं, क्राइम के निशान हैं, भ्रष्टाचार के निशान हैं, सबूत हैं। और कोई भी शक्ति मनीष सिसोदिया जी को बचा नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार से, हिंदुस्तान के कानून से कोई नहीं भाग सकता है। मनीष सिसोदिया इस वक्त ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वहीं दिल्ली सरकार के एक और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेजा तो वहां भी मौज मस्ती करने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल की बैरक से ही सरकार चला रहे हैं। मसाज से लेकर लजीज खान और मीटिंग से लेकर शाही ठाट तक सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। सत्येंद्र जैन के एक के बाद एक वीडियो सामने आए तो एलजी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। रिपोर्ट आई तो केजरीवाल सरकार के हर दावे की पोल खुल गई। जेल के हर नियम को सत्येंद्र जैन के लिए ताक पर रख दिया गया। जेल में बंद कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेवा में लगा दिया गया। डीजी जेल से लेकर जेल वार्डन तक आवाभगत में लग गए। परिवार वालों ने जब चाहा सत्येंद्र जैन से मुलाकात कर ली। आज दिल्ली में लोकल बॉडी चुनाव के लिए वोटिंग है, ऐसे में जनता को तय करना है कि उसे किसे चुनना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।